ओके एक्सरसाइज 7.6.2 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए। ये आपको फिगर दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है बेटा, ठीक है ना। तो ये सब आप राइट डाउन कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसे साफ कीजिए। ये देखिए एक ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये इंफॉर्मेशन ए बी सी डी ई एफ ये दिया गया है, ओके। और एंगल्स दिए गए हैं एक्स वाई और ये जेड, ओके। नाउ गिवन ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल एंड वाई रेशियो जेड इक्वल 3:7 फाइंड एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें इसको सीखे। इफ ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल एफ, ठीक है ना बेटा। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी एफ के पैरेलल है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी पैरेलल टू एफ, ये होगा, ओके। सो देयरफॉर गिवन ट्रांसवर्सल लाइन इज आल्सो ट्रांसवर्सल ऑन ए बी एंड एफ, ओके। सो एंगल ए एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ये अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, को इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के अगर को इंटीरियर एंगल्स हैं तो उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, इससे हो रहा है। तो एंगल एक्स की जगह हम क्या फॉर्म करते बेटा, एंगल जेड, एंगल जेड प्लस एंगल वाई पर 180 डिग्री। और यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है गिवन y रेशियो z इक्वल 3:7 y इक्वल 3x एंड z इक्वल 7x, ठीक रेशियो में दिया है इसलिए हम एक वेरिएबल इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमें जो फाइंड होगा ये आ जाएगा आपका, ये आपके एंगल्स फाइंड हो गए 3x 7x। तो यहाँ पुट कीजिए वैल्यू 3x प्लस 7x इक्वल 180 डिग्री, 10x इक्वल 180, x इक्वल 18 डिग्री, ठीक। ये बेटा आपका वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो गई है 10, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल x एंड एंगल z बोथ आर इक्वल, सो एंगल y इक्वल 3 × 18 डिग्री इक्वल 54। एंगल y क्या फाइंड हो गया 54, हमें x फाइंड करना है। और इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए y की वैल्यू, एंगल x प्लस 54 इक्वल 180 डिग्री, एंगल x इक्वल कितना गया 180 माइनस 54 डिग्री, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 126, एंगल x कितना गया 126 डिग्री, ठीक है ना। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री नोट कीजिए, इसमें आपको ये फिगर दिया गया है, ये आपका है सी बी और ये ए दिया गया है और ये ज्वाइन कर दिया जी और बी पोजिशन, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। एंड गिवन और क्या दिया है, एंगल जी ई डी इक्वल 126 डिग्री एंड फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ए जी ई एंड जी ई एफ एंड एफ जी बी, ये तीन वैल्यूज फाइंड करनी है एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये सब कुछ दिया गया है। तो देखिए इसे कैसे हम फाइंड करेंगे, एंगल ए जी इक्वल एंगल जी ई डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। सो ए जी ई और जी ई डी, जी ई डी की वैल्यू हमें दी गई कितना 126, दिस इंप्लाइज दैट ए जी ई इक्वल 126 डिग्री, एक एंगल फाइंड हो गया आपको। एंड कंसीडर एंगल जी ई डी इक्वल एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी इक्वल, एफ ई डी की वैल्यू कितनी दी गई है 90 डिग्री और जी ई एफ प्लस 90 डिग्री और जी ई डी यहाँ पे क्या दिया गया है 126 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल जी ई एफ 126 माइनस 90 डिग्री 636, ओके, एंगल जी ई एफ 126। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, ये आपके दो फाइंड हो गए जी ई एफ एंड ए जी ई, ये दोनों फाइंड हो गए, एफ जी ई और फाइंड करना है एफ जी ई। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल 180 डिग्री बाय लिनियर पेयर, लिनियर पेयर से हो जाएगा ये। तो ए जी ई क्या फाइंड करना है आपको, एफ जी ई फाइंड करना है और ए जी ई की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया 126 प्लस एफ जी ई इक्वल 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट एंगल एफ जी ई 180 माइनस 126 डिग्री, ओके। सो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको समझिए अच्छी तरह से और प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।